हेलो गाइस, तो आज की जो वीडियो है ना वो है 12878 न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि निकलती है न्यू दिल्ली से 4:10 पे। तो ड्यूटी हमारी कुछ ऐसी है कि हमको जाना है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, जहां पे हमारी लोको खड़ा है टिकेटी का वेब 7, एंड वहाँ पर जाके हमको चार्ज शीट वगैरह लेनी है। तो मेरी जीप लप आ रही है पता नहीं क्यों, लेकिन हम जल्दी जल्दी जाते हैं टिकेटी वेब 7 के पास, जिसका रूट नंबर होता है 30753। और ये थोड़ा डर्टी सा होता है, मतलब एकदम समझ लो बहुत ज़्यादा ड्यूटी करता है ये। और साइड में ही जो ट्रेन होती है ना भाई साहब, वो होती है 1313 न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी, जो मेरे एकदम बगल में खड़ी है मेरे लोको के। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं लोको में चढ़ जाता हूँ एंड उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके पेंटो वगैरह अप करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उसका पेंटो अप करा एंड ओहो स्पार्क तो मार रहा है, शूश। एंड देन पेंटो अप करने के बाद बस उसके बाद मैं इसकी जो हेडलाइट्स, सॉरी इसको जो डिम लाइट बोलते हैं, वो ऑन करता हूँ। उसके करते ही भाई साहब जो मेरी ट्रेन है गरीब रथ के कोचेस अराइव कर जाते हैं शंटर के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे न्यू दिल्ली के। तो उसको मैं ध्यान से देखता हूँ, भाई कितना मस्त लग रहा है ना गरीब रथ। तो फिर मैं देखता हूँ एंड उसको देखते देखते फिर जल्दी से याद आता कि अरे अरे ड्यूटी करनी है। तो चार्ज शीट पहले जल्दी जल्दी से मैं चार्ज शीट देख लेता हूँ क्या क्या है, और जल्दी जल्दी फिल करने के बाद मैं करता हूँ इंजन ऑन, क्योंकि इंजन ऑन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजन ऑन नहीं करेंगे तो इंजन चलेगा कैसे। तो इंजन ऑन करने के बाद मैं जाके देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं टायर में हवा कम तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कहीं टायर में कुछ इश्यू तो नहीं, या फिर ब्रेक प्रेशर या फिर जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो सब, हेडलाइट वगैरह, कपलर वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो जैसा कि मुझे दिखता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। एंड अब मैं सब कुछ देखने के बाद, अपने लोगों को निहारने के बाद जाता हूँ लोगों के अंदर, क्योंकि भाई अब मेरा टाइम करीब आ रहा है, मेरा 4:10 में डिपार्चर है। तो मेरे को लोगों को शंट भी करना है गरीब रस से, लेकिन अभी 5-10 मिनट है मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ कि अपने असिस्टेंट लोको पैड को बोलता हूँ कि ब्रो रुक, मैं ज़रा ना थोड़ा घूम के आता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा लोगों को आगे ले जाता हूँ, मतलब सिग्नल के पास ले जाता हूँ। तुमने कहा ठीक है भाई, मतलब थोड़ी आसानी रहेगी हमारे लिए। तो हम लोग जा रहे होते हैं, टोटल देखे हल्का हल्का 2 की स्पीड में 3 की स्पीड में सिग्नल तक पहुँचते हैं। जैसा कि आप सिग्नल देख पा रहे हैं 42 मीटर अवे है। तो धीरे धीरे हम वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं प्रोफेशनल ड्राइवर, आँख बंद करके चील की निगाह है हमारी। तो हम जल्दी जल्दी पहुँचते हैं कहाँ पे, सिग्नल्स के पास। इतना सिग्नल हो चुका हूँ कि भाई नहीं निकल रहा है। तो जल्दी जल्दी ये समझ लो कि हम पार्किंग कर रहे हैं भाई एक तरीके से, ताकि हमको आसानी हो लोगों को शंट करने में और टाइम हम कंज्यूम कर सके उस चीज़ को, ठीक है। तो लोगों को हमने रोका एकदम 5 या 6 मीटर के पास सिग्नल के। देन मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं, यहाँ तो रोक दिया है। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा नज़ारा देख के आता हूं। तो अब मैं जा रहा हूं नज़ारे देखने कि कौन सी ट्रेन कहां खड़ी है, क्या खड़ी है। और ये है हमारी 12314 न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी, और आगे कुछ ICF चेयर कार खड़ी रहती है, और साइड में तेलंगाना एक्सप्रेस और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और भाई मैं देखता हूँ कि अपना शंटर और 22209 मुंबई न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस भी आ रही होती है। तो मैं भाई दुरंतो की अराइविंग कैप्चर करने लगता हूँ कि भाई कितना क्यूट लग रहा है। ओ भाई साहब क्यूट तो अपना शंटर भी है जो गरीब रथ को लेके आया हमारी ट्रेन को, देखो देखो कैसे क्यूट तरीके से जा रहा है। बहरहाल वापस आ जाओ दुरंतो के पास, वापस आ जाओ। गाइस मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दुरंतो जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे अराइव कर रही है। ओ भाई मेरा टिकेटी का वेब 7 भी दिख रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो गाइज़ ये चीज़ तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट में बताना कि ये मुंबई दुरंतो जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे अराइव कर रही है। और इतने में जैसे कि अराइवल हो ही रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की तरफ जाया जाए, क्योंकि फिर मेरा भी टाइम हो जाएगा यार। तो फिर मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को टाइम इजाज़त नहीं देता कि मैं इतना कवर कर सकूँ। ओहो कितना क्यूट लग रहा है ना भाई एंट्री करते हुए,
चलो भाई मज़ेदार तो है, अपना डिपार्चर भी एकदम जॉड लेवल होगा। तो भाई 12314 न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी को देख के मैं थोड़ा सा जेलस होता हूँ, क्योंकि अच्छी ट्रेन है भाई, प्रीमियम ट्रेन है, मज़ा आता है। ये क्या 12724 तेलंगाना एक्सप्रेस भी वहाँ से डिपार्चर कर चुकी है भाई साहब। तो भाई जैसे ही मैं देखता हूँ कि जो तेलंगाना एक्सप्रेस है वो डिपार्ट कर चुकी है, तो मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ कि भाई इसको भी यार हल्का सा कैप्चर कर ही लेता हूँ। तो मैंने कैप्चर करा इसको और भाई साहब क्या ही एकदम सिनेमैटिक लग रहा है ना। रुको 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 गाइस, अभी अच्छा सा फील देता हूँ इन सबको हटा के। ये हुई ना बात। तो हमारा लाला गुडा का जो वेब 7 है वो इसको लेके आ रहा है और लेके जा रहा है, मतलब लेके आ नहीं रहा है, न्यू दिल्ली से ये निकल रहा है। और हमारा जो टाइम है वो भी करीब आ रहा है, क्योंकि शायद हमें सिग्नल मिलने वाला है। तो सिग्नल की जल्दी जल्दी सिग्नल के लिए मैं सोचता हूँ कि यार कितना करूँ, लेकिन जो रेल फैन वाला जो भूत है ना कि यार हल्का सा और फ़ोटो खींच लेते हैं, हल्की सी और वीडियो बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने लोको में अंदर, देखो देखो कितना क्यूट लग रहा है लोको। तो एकदम लोको के अंदर जाने के बाद फिर मैं तैयारी कर लेता हूँ, और यार फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं लोको से तेलंगाना एक्सप्रेस को देख रहा होता हूँ कि भाई साहब 12174 तेलंगाना एक्सप्रेस हमारे साइड से निकल रही है, कितनी क्यूट तरीके से, बढ़िया लग रहा है। लाला गुडा का 30407 जो कि निकल रही है न्यू दिल्ली से तेलंगाना की तरफ। तो भाई इसको देख के मन अच्छा हो जाता है कि भाई आइए, ये हुई ना बात। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे अपनी ड्यूटी याद आ जाती है, तो भाई अपनी ड्यूटी के लिए तो निकलना पड़ेगा। तो अपनी ड्यूटी के लिए अब मैं अपने लोगों को एकदम तैयार करता हूँ, सब कुछ सेट वेट करता हूँ, एंड देन तैयारी करता हूँ अपने डिपार्चर की, क्योंकि सिग्नल हमें मिलने वाला है। हमें कॉल आया है, मतलब रेडियो कॉल जो भी होते हैं वो कॉल आया कि हमें अब यहाँ से निकलना है, सिग्नल मिल चुका है। और वैसे ही मैं ट्रॉटल देता हूँ और निकलने की तैयारी करता हूँ। धीरे धीरे निकलेंगे गाइज यहाँ से हम, क्योंकि स्पीड में हम डिपार्चर तो कर नहीं रहे, हमको शंट करना है, हमको वहाँ से रिवर्स आना है। तो भाई तेलंगाना एक्सप्रेस और हम साथ में ही निकल रहे हैं, मतलब पहला रन तो हो रहा है गाइस। और गाइस अगर आप लोग नए हो ना तो चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई और न्यू वीडियो मैं बनाऊँ, कोई और ट्रेन को मैं कवर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। एंड अगर कुछ और अगर आप कुछ जानना चाहते हो इस गेम के बारे में और कुछ के बारे में, तो डिस्कॉर्ड पे मुझे ज्वाइन कर लो एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे। एंड बस एंजॉय करो वीडियो को। तो चलो जहाँ पे मैंने छोड़ा था कि हाँ, तो गाइस मौसम बड़ा सुहाना है भाई, और अपना वेब 7 एकदम जैमसी लग रहा है भाई साहब। चलो भाई तेलंगाना एक्सप्रेस तो निकल चुकी है और हमको रिवर्सल करना है बहुत जल्दी। रिवर्सल के लिए मैं अब स्लो ही जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम अगर जल्दी जाऊँगा तो रिवर्सल पॉइंट मेरा छूट जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि अगर रिवर्सल पॉइंट अगर छूट गया ना तो भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, आगे जो ट्रेन है उनका ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता है, मतलब उनको परेशानी हो सकती है। और मैं देखता हूँ कि साइड में एक और ट्रेन खड़ी होती है, मैंने पहले नोटिस नहीं करा था क्योंकि मैं इधर देख रहा था। तो ये होती है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस, शूश वो भी खड़ी हुई है भाई साहब वेब 7 के साथ। भाई आजकल वेब 7 के ज़माना ही अलग हो गया भाई, हर जगह वेब 7 दिखता है। डीजल लोकोमोटिव तो एंड हो गया डीजल लोकोमोटिव का। तो गाइस पेंट्री कार देखता हूँ, मुझे भूख लग रही होती है पेंट्री कार देख के, तो फिर मुझे याद आता है कि अरे नहीं यार अभी तो खाना खाया था, अब तो सीधा कानपुर में जाके खाना खाएंगे। तो कानपुर तक ड्यूटी होती है गाइस मेरी ये, तो कानपुर तक हमें ये वाली जो है ट्रेन को है उसको ले जाना है, जो कि रात के 8 बजे तक हम पहुंचा पाएंगे इस ट्रेन को। कोशिश करेंगे ऑन टाइम रहे, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने ट्रेन को स्लो करता हूँ, क्योंकि जो ट्रैक चेंज है यहाँ पे मतलब थोड़ा संभल के रखता हूँ, और रिवर्सल भी है तो, और हमारे पास टाइम भी होता है, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास डिपार्चर का, तो बहुत टाइम है हमारे पास, क्योंकि हमें बस शंट करना है और निकलना है। शंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, तो कोई इशू नहीं है। चलो 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 जल्दी से रिवर्सल पॉइंट तक चलते हैं, रिवर्सल पॉइंट पे जाके रिवर्स करेंगे। तो गाइस मैं ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ एंड रिवर्स कर देता हूँ अपनी ट्रेन को, एंड अब हमारी बारी है शंटिंग की, जो कि सबसे बड़ा मेन काम है, और बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है, स्पीड एंड
कोचिस को कोई डिफेक्ट ना हो एंड एकदम से मैं टक्कर ना मार दूँ कि भाई पूरा कोचिस मृग की भाई कोचिस ही ना हिल जाए, तो बहुत ही स्लोली मैं रिवर्स करता हूँ ताकि मैं आराम से शंट कर सकूँ इन कोचिस को गरीब रथ के। ICF कोचिस हैं तो ज़्यादा मेरा मानना है मज़बूत नहीं होते, ठीक है। अरे मैं ये क्या देखता हूँ, जैसे कि मैं रिवर्स लेता हूँ तो 20801 मगध एक्सप्रेस आ रही होती है, बहुत सारी ओटी खाती है गाइस यार लिटरली, तो मगध एक्सप्रेस आ रही होती है वेब 4 के साथ। भाई साहब कौन सा वेब 4 है ये गाइस, लेट मी सी, हावड़ा का वेब 4 है भाई मगध एक्सप्रेस। ओ भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस, मज़ेदार तो है भाई। इसकी अराइवल हो रही है एंड हम भी शंटिंग के लिए जा रहे हैं। अराइवल शंटिंग डिपार्चर शंटिंग, भाई बहुत सारी ट्रेन का यहाँ पे रश है, न्यू दिल्ली रश में ही रहता है इस समय क्योंकि सारी प्रीमियम ट्रेन जो है वो निकल रही होती है, ट्रेन आ रही होती है, तो बड़ा मुश्किल भाई न्यू दिल्ली एकदम रश वाला है, मतलब समझ जाओ यार। और गाइज अगर तुमको लगता है कि न्यू दिल्ली से भी कोई रश वाली जो स्टेशन है वो अगर है तो कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ कि भाई इस चीज़ का सिनेमैटिक नहीं लिया अगर मैंने तो क्या ही फ़ायदा मेरे वीडियो का, तो मैं फिर सोचता हूँ कि अरे सिनेमैटिक लिया जाता है इसका, तो शंटिंग के लिए मैंने सब कुछ हटा दिया ताकि मैं शंटिंग आपको बहुत क्लियरली दिखा सकूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा लड़खड़ा रहा था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि कितने स्पीड में इसको कैप्चर कर सकूँ, तो जल्दी जल्दी से इसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। न्यू दिल्ली का बोर्ड दिखता है एंड मुझे समझ आ जाता है कि भाई कोचिस तो पास आ चुके हैं, तो मैं हल्का सा ब्रेक लगाता हूँ कि भाई कहीं ठोक ना दूँ, तो फिर हम स्मूथली इसको हम अप करेंगे एकदम कपल शूश। आह क्या साउंड है कपलिंग का, मज़ा आ गया भाई कपल करके। तो गाइस अच्छे से कपल हो चुका है, तारे वारे जोड़ दिए हैं हमारे इंजीनियर्स ने एंड सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। सब कुछ चेक है एकदम और सब कुछ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो गेट खुला है अंदर कुछ जाते हैं एंड अब वेट करते हैं हम अपने डिपार्चर का, जो कि डिपार्चर शायद हमारा 2 मिनट के बाद है। जी हाँ 1 मिनट 45 सेकंड के बाद हमारा डिपार्चर है यहाँ से। तो डिपार्चर के लिए क्या ही ज़रूरी है बताओ गाइस, डिपार्चर के लिए टाइमिंग ज़रूरी है, सिग्नल ज़रूरी है और हमारे स्टेशन मास्टर की अनुमति ज़रूरी है। तो गाइस सिग्नल तो हमारा क्लियर है स्टेशन, और डिपार्चर टाइम जो है हमारा हम सेम डिपार्चर टाइम पर निकलेंगे। स्टेशन मास्टर की तरफ से हमें बता दिया गया है कि ऑन टाइम ही जाएगी ट्रेन, ठीक है, ना जल्दी ना लेट। तो गाइस मैं पीछे जाता हूँ एक बार चेक करने के लिए, गार्ड से बात हो जाती है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ खाना वाना खा लिया, घर में सब कैसे हैं बच्चे बच्चे, मतलब सब कुछ ठीक है गाइस। और गाइस तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही चल रही है, सही चल रही होगी यार, और बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं मैंने सुना, तो अच्छी बात है, पढ़ाई वढ़ाई करो और अच्छे से मार्क्स लाओ। तो मैं गाइस शीट वीट देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ देख लेता हूँ, क्लीनिंग व्लीनिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा धूल वूल हो जाता है गाइस, वो थोड़ा सा बहुत रश में होता है ना तो धूल वूल आ जाता है। तो अब मेरा वक्त आ चुका है डिपार्चर का, सिर्फ 44 सेकंड्स बचे हैं, मैं एक बार लाइट वगैरह चेक कर लेता हूँ एंड अब मेरी बारी है यहाँ से डिपार्चर की। तो गाइस क्या लगता है डिपार्चर में हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलिए देखते हैं। 30 सेकंड बाकी है, मज़ा आएगा गाइस डिपार्चर में, मज़े करेंगे एंजॉय करेंगे। तो मैं अपने एक दोस्त को बोलता हूँ जो कि इस ट्रेन में ही होता है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि भाई डिपार्चर में ना प्लीज़ थोड़े से शॉर्ट्स ना डोर व्यू के भी ले लेना ताकि मज़ा आए डोर व्यू में, डोर व्यू के भी मज़ा आए। तो डोर व्यू में मैं उसको बोल देता हूँ कि ब्रो डिपार्चर में डोर व्यू के सिग्नल मतलब वीडियो बना लेना ताकि मैं इसको डाल सकूँ। एंड मैं डिपार्चर कर चुका हूँ यहाँ से हॉर्न मार के, बहुत ही प्यारा सा हॉर्न दिया है मैंने एंड निकलने का वक्त आ चुका है। भाई इतना बोलते बोलते ना जीप लड़खड़ा ही जाती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, और वॉइस ओवर मैं अभी सीख रहा हूँ तो एडजस्ट कर लो यार थोड़ा सा। तो न्यू दिल्ली को हम अब अलविदा कह रहे हैं, अब हमारा सीधा अगला स्टॉप है कानपुर सेंट्रल, जो कि हमारा पहला स्टॉप है, रांची से पहले बहुत सारे स्टॉप्स आते हैं लेकिन हमारा जो है ड्यूटी वो कानपुर तक ही है। तो धीरे धीरे हम निकलते हैं यहाँ से एंड बड़ा ही स्मूथ निकल रहे हैं हम, तो उसको निकलने देते हैं। और तब तक आप बताइए, आपने लाइक करा, लाइक तो करा नहीं होगा,
लाइक कर दो। और ये मैंने थोड़ा सा कोशिश करा कि ये सिनेमैटिक लिया जाए, एकदम कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है ना गाइस। ओरिजिनली तो है ये, वो तो मैंने थोड़ा इफेक्ट डाल के इसको कार्टूनिस्ट थोड़ा गेम ज़्यादा दिखाया, वरना ओरिजिनल ही वीडियो है ये गाइस। तो गाइस इतनी क्यूट तरीके से इतनी HD इतने हाई क्वालिटी ग्राफिक में मैं निकाल रहा हूँ इसको, भाई हाई क्वालिटी के लिए लाइक तो हो जाए गाइस। और गाइस जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं, त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस आ रही है गाइस, सुंदरी भाई डिपार्चर होते ही न्यू दिल्ली में आ रही है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। तो हमारी ट्रेन निकल रही है, वो वाली ट्रेन आ रही है। अरे अरे EMU तमीज़ से भाई, आराम से मुझे जाने दो भाई। तो गाइस EMU का भी डिपार्चर हो चुका है एंड EMU को निकलने देंगे साथ के साथ, और हम भी अरे अरे खंभा फाड़ के निकल गया बे, देख रहे हो गाइस, डरते हैं क्या खंभे से। खैर उसको इग्नोर करो गाइस, वो गेम है तो हो जाता है कभी कभार, उसको इग्नोर करेंगे। ओहो मैं भाई देख ही रहा होता हूँ कि भाई ग्रैंड ट्रंक भी निकल चुकी होती है पीछे से ट्रेन, ओ भाई। तो गाइस एक आ रही है, अराइवल हो रहा है त्रिपुरा सुंदरी का, और डिपार्चर हो रहा है ग्रैंड ट्रंक का और गरीब रथ का और EMU का। तो बहुत ही हैवीली ट्रैफिक ये वाली जर्नी हो रही है अभी तक के लिए, और मज़ा आ रहा है एंड मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ गाइस। अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत तो हम करते हैं आपके लिए ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको। तो गाइस इसको मैंने अपने दोस्त को कहा था जो वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो बना रहा है एंड हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आह आह त्रिपुरा सुंदरी केजी, त्रिपुरा सुंदरी भी Web 7 के साथ आ रहा है। शोश निकलो निकलो निकलो, मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, 20807 हीराकुंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है भाई साहब स्टेशन में। शूश ये कौन सा ब्रिज है, तिलक ब्रिज है, शिवाजी ब्रिज है गाइस, बताना कि कौन सा स्टेशन है ये जो न्यू दिल्ली से ठीक पहले पड़ता है। तो हम उस स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं आराम से, क्रॉसिंग के साथ हीराकुंड भी खड़ी है, त्रिपुरा सुंदरी भी निकल रही है, EMU भी निकल रहा है, मज़ा आ रहा है भाई ट्रैफिक देख के। चलो चलो चलो, अब तो भाई रुकना ही नहीं है भाई, अब नहीं रुकना भाई। ओ भाई मेरे दोस्त ने क्या सिनेमैटिक बनाया है, वहाँ बैठ के देखो देखो दोबारा दिखाता हूँ। ये एकदम ही EMU के मुँह पे घुस चुका है भाई। और मैंने गेट खोला ताकि मैं बात कर सकूँ EMU वालों से। तो EMU से छोड़ो, वो तो मजाक कर रहा था मैं। और मैं देखता हूँ कि 20807 हीराकुंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि खड़ी हुई है, शायद इसका भी डिपार्चर होगा अगर उसको सिग्नल मिलेगा, क्योंकि न्यू दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रश है गाइस। एंड अपनी ट्रेन जो है वो स्लोली स्लोली निकल रही है, और मैं देख रहा होता हूँ कि वैग 9 है वो, शायद वैग 9 जो कि पार्सल ट्रेन को लेके आ रहा है। और हमारे साथ भाई थोड़ा बहुत पहला रन कह सकते हैं ग्रैंड ट्रंक का हो रहा है साइड में, और आगे से आ रही है पार्सल ट्रेन जो कि वैग 9 लेके आ रही है। भाई साहब ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, भीड़ तो है भाई न्यू दिल्ली में भीड़ तो है भाई साहब। वैग 7 एंड वैग 9 दोनों है इसमें, यूज ये मज़ेदार था भाई। तो गाइस पार्सल वैन में भी दो दो लगने लग गए हैं भाई, ज़्यादा पार्सल है क्या इसमें, बिल्कुल ही फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा हो गया भाई इधर तो है। तो गाइस हम लोग स्टेशन का नाम बता देना गाइस, ये वाला कौन सा स्टेशन है, शिवाजी ब्रिज या तिलक ब्रिज, कमेंट में। तो हम ये वाला स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। पार्सल वैन कितना क्लीन है भाई, इतना साफ़ होता है क्या पार्सल भाई, हमारी ट्रेन इतनी साफ नहीं है जितना कि पार्सल वैन साफ है भाई साहब। इंडियन रेलवे तरक्की कर रहा है भाई, आराम से भाई आराम से, 12419 घूमती एक्सप्रेस आ रही है आगे से भाई साहब, ये तो गुस्से में है गाइस। घूमती एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है ज़रा कमेंट में बताना, और बहुत तेज़ आ रही है भाई, ये तो गुस्से में लग रही है भाई। ठीक है भाई आराम से भाई, जाओ 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 जाओ। तो गाइस जैसा कि मैंने देखा, मैंने नोटिस करा कि भाई इस वाले स्टेशन में इतना ट्रैफिक है कि एक भी ट्रैक फ्री नहीं है, एक भी ट्रैक फ्री नहीं है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि एक भी ट्रैक कैसे फ्री नहीं है, और आप बताना कि कौन कौन से ट्रैक में कौन कौन सी ट्रेन खड़ी है। ठीक है तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा, और आप लोगों को गेस करना है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर खड़ी है। और ये लो आपके लिए मैंने इतना सा व्यू निकाल लिया है, बताओ गाइस
एक भी ट्रैक खाली नहीं है भाई, एक भी ट्रैक क्रैक हो गया। तो गाइस कितने ट्रैक हैं इधर, कम से कम 1 2 3 4 5 6 ट्रैक हैं, और 6 के 6 ट्रैक बिजी रनिंग ट्रैक्स, वो भी शूश भाई साहब क्या ही कर्व है भाई पार्सल का, मज़ेदार है भाई। न्यू दिल्ली एंट्री कर रहे हैं मज़ेदार तरीके से। चलो 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 हमारी ट्रेन में फोकस करते हैं। और भाई साहब ग्रैंड ट्रंक का लोको देख लो गाइस, ये भी लोको भी इसका भी लोको प्यारा है। क्या लोको था इसका गाइस, लाला घोड़ा का लोको था ना इसका जब हमने देखा था। नहीं वो तो तेलंगाना का था, इसका कौन सा लोको है, कौन से शर्ट का लोको है बताना ज़रा, कौन से शर्ट का लोको है इसका और कौन से शर्ट का लोको ओरिजिनली होता है कमेंट में बता दो यार तुम लोग, कमेंट में हो तो यार शीश। तो अपनी ट्रेन को मैं देख रहा हूँ जाते वक्त, जाते हुए एक ही बात है, और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड दिखाता हूँ कि भाई साहब EMU निकल चुका है। EMU तो भाई कल, EMU ने कहा कल आना, तो EMU ने रफ्तार पकड़ ली है और ग्रैंड ट्रंक जो है वो मार रहा है हॉर्न, और हमारे को स्पीड लिमिट मिल चुकी है, स्पीड लिमिट, और हम अपनी स्पीड में चलेंगे। एंड बेसिकली मैं यहाँ पे अपने असिस्टेंट पायलट को बोलता हूँ कि ब्रो आप यहाँ से थोड़ा सा इंचार्ज लो, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, क्योंकि मैं डिपार्चर जो होता है ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको चार्ज शीट वगैरह सब कुछ एकदम करना पड़ता है, तो उससे माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए तो मैंने सोचा कि थोड़ा चिल्ड पानी पी लेते हैं। दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिल्ली में भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बोलना पड़ता है यार, वरना तुम लोग कहोगे यार बिल्कुल ही एकदम कुछ भी तुमने नहीं बताया यार इसके बारे में। तो डोर व्यू का हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, प्यारा सा व्यू। और गाइस दूसरा स्टेशन भी बता देना गाइस, शिवाजी ब्रिज पहले आता है या तिलक ब्रिज बाद में आता है, मतलब दोनों बता देना कि कौन कौन सी ट्रेन कहाँ आती है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वेग 7 BTPN के साथ आ रही है, और एक और ट्रेन है गाइस उसके पीछे वेग 7 दिख रहा है मुझे, अगर आप जूम करके देखो तो। एक मिनट रुको, अभी डिस्प्ले हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। 12561 स्वतंत्र सेनानी आइए। तो गाइस 12561 स्वतंत्र सेनानी भी आ रही है भाई, पहला रन चल रहा है क्या भाई BTPN और इसका, देखना ज़रा एक मिनट देखते हैं गाइस, क्लोज जाके देखते हैं। ओ भाई भाई कितना वैक्स भाई, वैग 9 तो है, और ये वेग 7 आइए। ओ भाई पहला रन हो रहा है भाई इसका, 30033 रोड नंबर है उस वेग 7 का। एंड भाई भाई आजकल तो LHB का ही राज है भाई, हर जगह LHB दिखते हैं। तो यहाँ से जो है ऑटो पायलट, जो हमारा असिस्टेंट पायलट जैसे मैं कहता हूँ उसको मैं दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से वो संभालेगा एंड हमारी जो जर्नी है अब यहाँ से सीधा कानपुर जाके रुकेगी, अगर होप्स हो सब कुछ सही रहा तो। और सब कुछ सही रहना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ साफ़ हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, न्यू ट्रैक्स वगैरह भी अब अच्छे हो चुके हैं, फ्लाइट के अलग कॉरिडोर्स वगैरह है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग जा रहे होते हैं एकदम स्पीड बढ़ा के। एंड वाह 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 क्या ही ट्रैक साउंड है, क्या ही ट्रैक साउंड है। और ये सुहाना मौसम भाई, जो इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं ना उनको पता है 10-12 जोन ड्राइव कर रहा है तो एकदम स्मूथली पहुँचेंगे, मतलब लेट हो ही नहीं सकते यार हम लोग ऑन टाइम। 8:92 बोलते हैं, 52 को क्या बोलते हैं पता नहीं, 8:52 को पहुँचेंगे हम लोग। मेरी हिंदी ख़राब है, मतलब हिंदी ख़राब इन द सेंस नंबर्स में हिंदी ख़राब है मेरी, तो 92 बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं आप लोग, क्रिएट कर देना मुझे कमेंट में। एंड हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, और कोई भी अलग जर्नी देखनी है आपको इस ट्रेन के अलावा जो भी आप देखना चाहते हो कि ब्रो ये वाली ट्रेन कवर करो, इसके बारे में बताओ, या फिर ये वाली ट्रेन की वीडियो बना दो, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा। एंड भाई ये बहुत हॉर्न मार रहा है पीछे वाला है ना, छोड़ो इग्नोर करो इसको। तो गाइस अब यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है मेरा, अब पूरी जर्नी तो मैं 4 घंटे कवर नहीं कर पाऊँगा, तो अगर आप चाहते हो कि इसको मैं कवर करूं या फिर लाइव स्ट्रीम करूं इसकी, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसकी पूरी जर्नी करो, हमें देखना है रांची तक, तो मैं बिल्कुल इसको करूंगा। तो तब तक के लिए गाइस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड हाँ मज़े करो गाइस, एंजॉय करो।
और सपोर्ट भी करो मुझे, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं एंड बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड मिलते हैं गाइस, बाय बाय गाइस। एंड कुछ नहीं, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मेरे दिल में बस यही है कि आप लोगों को अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय गाइस एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे, कमेंट में बता देना एंड एंजॉय करना इस वीडियो को।